सारे मसले का हल ढूंढ निकाला हमने। सीरियसली वो क्या है? है तो थोड़ा सा रिस्क, मगर मोहब्बत जो है ना वो नाम ही रिस्क का है। Anyway, I have a plan. And what's that plan? मेरे ख्याल से हमें इसको ट्राई करना चाहिए और we should go for it. अभी है क्या वो? टेंशन दे रही हो? बहुत ज़्यादा। जल्दी बताएं। तुम हम्माद को घर बुलाओ मामा जी का दिल जीतने के लिए। हम्माद को घर बुलाओ? मामा ने जितने सर फूफो के किया, आपको लगता है कि उसके बाद वो घर आएगा? अरे क्या पता, जो काम हम नहीं कर सके वो हम्माद खुद कर ले, वो मामा का दिल जीत ले। ये भी है। ओके, मैं उसे कॉल करूँगी। कॉल नहीं करूँगी, तुमने उसको बुलाना है, उसको मनाना है। अब उसका काम है कि वो दिल जीते। उसका ना यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी हो गया। ठीक है भाभी, तुम समझ रही हो बात को? मैं कॉल नहीं करूंगी। ओके, मैं इस तरह से मुंह लटका के बैठना, उदास होना, इससे तो कुछ नहीं होगा ना। तुम अपनी तरफ से एफर्ट ये करो कि बस हम्माद को राजी करो कि वो आए और यहाँ आकर रहे, क्योंकि ये एक वाकई बड़ा एडवेंचर है। जब तुम उसको तैयार कर लोगी ना मेंटली कि वो यहाँ आकर रहे, मामा जी का दिल जीते, तुम देखना सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। मेरा बड़ा पक्का ईमान है कि सारे हालात ठीक हो जाएंगे। अल्लाह करे। ठीक है भाभी, मैं उसको फ़ोन करूँगी, उससे बोलूँगी कि वो यहाँ आए। हाँ, मगर उसको भी टास्क दोगी? अच्छा, उसको ऐसे नहीं बोलना आ जाओ देखते मामा क्या कहती है। नहीं, उसको बोलो आके मामा जी का दिल जीते, और तुमने भी एफर्ट करनी पड़ेगी। तुम दूर बैठे बस मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकते। पर मामा ने भी तो गलत किया ना फूफो के साथ। अरे जो कर दिया हो गया, बस अब उसको मत रोना बैठ के, अब वो करो जो आगे करना है। बड़ों की लड़ाई में हम बच्चे क्यों आपस में पिसेंगे बताओ? हमें वैसे ही रहना चाहिए जैसे हम हैं, मगर उनको सेटल करने के लिए, टैकल करने के लिए हमें कुछ आइडियाज ऐसे लड़ाने पड़ेंगे ना, तो उसमें एक ही आइडिया है बस। ठीक है, फिर कितना मजा आएगा ना जब हम्माद भी हमारे घर आएगा। तुम्हें ये मजे सूझ रहे कि वो आ जाएगा तो सामने होगा, देखती रहोगी, बात फोन पे जरूरी नहीं है, हर वक्त सामने बैठा होगा। बहुत मोहतात रहना है, ऐसा कुछ ना करना, किसी को कोई कुछ कहने का मौका ना देना, क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जीतनी है, मम्मी जी का दिल जीतना है। और अगर ऐसा ना हो सका ना, फिर ओके ना भाभी, करूंगी ना कुछ बात करूंगी। ठीक है, मैं बात ठीक है, मेरी जान ठीक, बात करती हूँ आपसे। ठीक है, और फिर उसके बता भैया मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया रमैया, बता भैया रमैया बता। ये चलाते कैसे? खैर मेरा क्या काम। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया रमैया, बता भैया रमैया बता। सारा कुछ तो साफ है, रोजाना सफाई करती हूँ लेकिन सब कुछ साफ होता है। चलो फिर भी साफ कर देती हूँ। हो गया। Yes. फोन ही कर लो किसी को। है? नहीं छोड़ो परी, क्या करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्या कर रही हो? काम ही करना है, जो मेरा काम है। छोड़ो ये, मुझे तुमसे बात करनी है। हैं जी, आपको मुझसे बात करनी है? हाँ जी बोले ना। या ये तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती रहती हो हर वक्त? मेरा करेक्टर ही ऐसा है, क्या करो। वो तुम्हारी सुनी कलाई मुझे अच्छी नहीं लगती। सोच रही हूँ कि एक चूड़ी दे दूँ तुम्हें, 24 कैरेट, असली गोल्ड है, रख लो। जी ये क्या किया आपने? सोने की चूड़ी मुझे दे दी शीला को?
कहीं बेहोश ना हो जाओ। आप इतना मुझसे प्यार करिए, खैर तो है ना जी? खैर ही है। वो काम था तुमसे मुझे एक छोटा सा। बोले, हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ। वैसे तो तुम भरोसे के लायक हो नहीं, लेकिन इस घर में और कोई है नहीं जिसको मैं ये काम कह सकूँ। आप बोले ना, मैं सुन रही हूँ। बोले बोले, हुक्म करें, मेरी जान भी हाजिर ही है। सुनो, गौर से सुनो। देखो, मम्मी जी ने सनिया की शादी से साफ इनकार कर दिया है। और फूफो के साथ कितना बुरा सलूक किया, तुम ये तो जानती ही हो। हाँ जी, इतना बुरा सलूक, इतना बुरा सलूक तो इंडिया वालों ने बिना मनिक के साथ भी नहीं किया है ना। मेरी बात अभी बाकी है। हाँ तो बोले ना, मैं सुन रही हूँ। फिजा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं। मेरी सिक्स सेंस कहती है कि वो जरूर कोई चाल प्लान कर रही है। अब तुमने ये पता लगाना है कि वो कौन सी चाल प्लान कर रही है और उसके दिमाग में क्या पक रहा है। आप फिकर ही ना करें जी, आप तो शीला को जानती नहीं है। मैं उनके दिमाग का सिटी स्कैन कर लूंगी। लेकिन एक बात है, ये ना काम हो जाने के बाद आप ये चूड़ी मुझसे वापस ले दे, मैंने देनी भी नहीं है। तुम इतनी चीप सोच कैसे सोच सकती हो? इसलिए कि मुझे आपकी चीप सोच का पता है, बदतमीज। अच्छा, यानी आपको ये काम करना है मैंने, है ना? हाँ। आपके लिए जासूसी कर ली है। सुनो, हाँ, मेरी मुख पर बन जाओ, मैं तुम पर अपनी कलाइयाँ खाली कर दूंगी। सच्ची, आप कितनी अच्छी हैं। मैं सदके जाऊँ, आप फिकर ही ना करें। आप मेरी स्पीड देखें, मैं कैसे जाती हूँ कैसे आती हूँ, फिकर ही ना करें। चल चल, जा फिर। जाऊँ? हाँ। चूड़ी और मिलेगी ना? हाँ हाँ। आप कितनी अच्छी, कितनी प्यारी है, लेकिन है बहुत शातिर। इस घर में इतना सकून, ये सकून मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए कुछ थ्रिल होना चाहिए। रेडी? हेलो हमाद। हाँ, तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से घर आ जाओ। हाँ, सीरियस बोल रही हूँ। फिजा भाभी ने बोला है कि हमाद को कॉल करके जल्दी से घर बुलाओ। मुझे नहीं पता, बाकी सारी बातें तारिक भाई और फिजा भाभी बताएंगी। हाँ, तुम प्लीज जल्दी से आ जाओ। बस ऐसा समझो कि तुम मामा का दिल जीतने के लिए आ रहे हो, ओके? हाँ ना, बस उन्होंने जैसा मुझे बोला मैंने वो कर दिया। और प्लीज तुम ऐसा करो, जल्दी आ जाओ। I see. तो ये चल रहा है इस घर में। ये फिजा बाजी कितनी चला के, लगता है कि ये सोप और सीरियल बहुत देखती हैं। इसलिए तो नई 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 स्क्रीमें इनके ज़हन में आती हैं। चल शीला, तो भी चल, आखिर तूने भी अपनी कलाई पर चूड़ियाँ पूरी कर ली हैं। चल जाके जैसूसी कर, जैसूसी चूड़ियों के लिए, जैसूसी। गोरी है कलाइया, तू ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।